जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ चुन्नी लाल यादव। दोस्तों, ये है T500 स्मार्ट वॉच। इस स्मार्ट वॉच में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे इसमें व्हाट्सएप वहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैसेज आया हुआ है प्रिंस की तरफ से, आउट गोइंग वॉइस कॉल, ठीक है। उन्होंने मतलब कि वॉइस कॉल की है, ठीक है, हमने कॉल उठाया नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको भी अगर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन पाना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में जाना है। ओके, मोबाइल में जाने के बाद में सिंपली आपको जो है प्ले स्टोर ओपन करना होगा, ठीक है। तो हमारा जो है मोबाइल में ये रहा प्ले स्टोर, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपको फिट प्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे है फिट प्रो ऐप। ओके, तो ये रहा फिट प्रो ऐप, इसको जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करना है, ठीक है। तो मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में इस तरह इंटरफेस आएगा, तो आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको एक्सेस कर देना है। उसके बाद में सेट पे क्लिक करना है, उसके बाद में बाइंड डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोड पे क्लिक करना है, उसके बाद में अलाउ करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपके वॉच को स्कैन करेगा। ओके, तो वॉच को आपको जो है ऑन करके रखना है। ओके, वहाँ पे आ जाएगा वॉच एट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टेप्स जो है कंप्लीट हो गया है। ओके, तो इस तरह से सारे स्टेप जो है कंप्लीटेड होंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी कमिटिंग हो रहा है। कंप्लीटेड होने के बाद में यहाँ पर देखिए वॉच एट आ जाएगा लिखा हुआ, मतलब कि वॉच जो है कनेक्टेड हो गया। ओके, उसके बाद में आपको मैसेज पुश पे क्लिक करना है। मैसेज पुश पे क्लिक करने के बाद में आपको जो है दोस्तों इस तरह का इंटरफेस नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप को इनेबल करना है, व्हाट्सएप को मैसेज चाहिए, इंस्टाग्राम के मैसेज चाहिए, या फिर फेसबुक का, ठीक है, या फिर SMS का चाहिए, या फिर मिस कॉल का चाहिए, तो आपको इनेबल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले व्हाट्सएप इनेबल करता हूँ, उसके लिए ओपन करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ से आपको फिट प्रो ऐप को क्या करना है, अलाउ कर देना है, ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। ओके, उसके बाद में अलाउ देने के बाद में आपको जो है यहाँ से बैक आनी है। बैक आने के बाद में फिर से आपको बैक आनी है। ओके, बैक आनी है, उसके बाद में फिर से यहाँ पे इनेबल करना है। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको फेसबुक का चाहिए, फेसबुक इनेबल कर दीजिए। ओके, इंस्टाग्राम का चाहिए तो इंस्टाग्राम को इनेबल कर दीजिए। ओके, उसके बाद में SMS चाहिए, बिल्कुल, तो इसको भी एग्री कर दीजिए। ओके, अलाउ कर दीजिए। उसके बाद में आपको कॉल्स का चाहिए तो कॉल्स का भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। हमें फ़िलहाल व्हाट्सएप का चाहिए, इंस्टाग्राम का चाहिए, फेसबुक का चाहिए, तो ठीक है, इसको मैं इनेबल कर दिया हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे मोबाइल से मैं व्हाट्सअप करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलिए, मैं दूसरे मोबाइल से मैसेज कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो दूसरा मोबाइल में ओपन कर लिया हूँ, इसमें व्हाट्सएप में मैं लिखता हूँ, ठीक है। एक बार लिखता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो लिखता हूँ। अब मैं वॉच को देखता हूँ यहाँ पे मैसेज करके आता है या नहीं आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन हेलो, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे, क्या कर रही हो, ठीक है। तो ये देखिए क्या कर रही हो, ठीक है। तो इस तरह से व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं सेटिंग करके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने T500 स्मार्ट वॉच में व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन को पा सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा, हेल्पफुल लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।